हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वयं क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य, आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर वन चैनल स्वयं क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तुम मेरे प्यारे होनहार छात्रों, जैसा कि आपको डेली वन शॉट मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, यानी वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है डे बाई डे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 को बनाता है सबसे शानदार। यानी आपका जो सपना है कि मैं भी 90+ ला के रहूंगा, बिल्कुल पूरा होगा। तो कर दीजिए अपने सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पूरे 10 मार्क्स वोकैबुलरी के पार्ट का, यानी आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, होमोफोन्स, आइडम्स और फ्रेजेस के पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ तैयार है, जो पिछले 5 सालों में पूछे गए पांचों पार्ट आज के इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक जिसने देखा, और अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 सालों का, तो याद रखना कि आपका ये 10 नंबर में से एक नंबर भी नहीं कोई काट सकता है। इसी में से आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें, जैसा इसके पहले भी आपको बताया, कि 25 नंबर ये आपका बस प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितनी अच्छी होगी प्रैक्टिस, उतना ही होगा ये आपका 25 नंबर। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, क्लास को अब आप देख सकते हो। सबसे पहले हम आते हैं, और ये 10 नंबर इस साल बोर्ड एग्जाम में आपको एमसीक्यू के रूप में आएगा। किस रूप में? एमसीक्यू के रूप में, मल्टी पल च्वाइस क्वेश्चन के रूप में, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आएगा। अब हमें यह जानना है कि 10 नंबर जो हैं आपके कैसे आएंगे। हमारे बच्चों, 5 पार्ट, आप जैसा कि आप देख सकते हो, आपका आइडम्स और फ्रेज किससे कैसे क्वेश्चन करेगा, ये आपके मन में जो सारे डाउट्स हैं क्लियर हो रहे हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका साथ साथ आपका होमोफोन्स, ये आपके दो दो नंबर। पहले क्या होता था, इस 10 नंबर में हम डाउट में रहते थे, डायरेक्ट हमको लिखना रहता था, लेकिन अब है कि हमारे पास 4 ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। पूछेगा, बताओ इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या, इससे मिलता जुलता अर्थ क्या। हम ये नहीं हो सकता, यानी डाउट करते आप एक करेक्ट आंसर मार जाओगे, अगर नहीं आ रहा है तो भी आप शानदार कर जाओगे। आज जो प्रैक्टिस मेरा कर लिया है, जो इस तरह की सारे क्लास को अटेंड किया है, उस अनुसार प्रैक्टिस किया है, उसका 10 नंबर में एक नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो इन 10 नंबर में हमें आपको बताते चले कि हमने पहला आपको यहां समझा रहा हूं, यहां पे आपको आइडम्स और फ्रेजेस, यहां अब आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको यूज करने की अब जरूरत नहीं है। अब आपको मेरे प्यारे होनहार छात्रों, 4 ऑप्शन में इसकी मीनिंग पूछेगा, 4 ऑप्शन में इसकी मीनिंग पूछेगा, बताओ फला आइडम्स और फ्रेज की मीनिंग क्या होगी। तो जैसा कि यहां लिखा है, हमको मीनिंग जानना है बच्चा, लिखा है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका आप ये समझ लो, किसी भी मुहावरे का शाब्दिक अर्थ निकालना, उसका मुख्य अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहां लिखा है कि एक आशीर्वाद के रूप में, यानी कि अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब यहां लिखा है एक आशीर्वाद के रूप में। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, एज अ ब्लेसिंग। अब यहां दिया कि अ मेडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण, पहली बार जो बात हम बोलते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, इसका अर्थ क्या होता है, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। इसको हम कहेंगे दी फर्स्ट स्पीच कम कहते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या होता है, मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच से मतलब है इसका, प्रथम भाषण से मतलब है इसका। अब यहां पर जो आता है आपका तीसरा, जो आप यहां पर देख सकते हो बच्चे, ये जो आपका लिखा है कि लॉयंस शेयर, शेयर का हिस्सा का अर्थ है एक इंपॉर्टेंट पार्ट,
महत्वपूर्ण तथा बड़ा तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट कह सकते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो, ठीक है। और लार्ज पार्ट या इंपॉर्टेंट पार्ट भी कह सकते हो, अ लार्ज पार्ट, एक बड़ा हिस्सा, एन इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो और इंपॉर्टेंट फैक्ट कह सकते हो, ऐसे मिलते जुलते पहले इनको आप नोट करते रहिए साथ साथ, क्योंकि मैंने कहा कि इस बार एमसीक्यू के थ्रू आएगा तो आपको बस समझना है। अगर इसकी हिंदी को भी माइंड में रखेंगे तो हम उनमें से चारों ऑप्शन में का अर्थ अगर निकालने की कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा कि इस मुहावरे का, इस फ्रेज का हमारा क्या ऑप्शन सही जा रहा है, और आपका ये जो आंसर होगा एकदम करेक्ट होगा और आप एकदम करेक्ट करके दिखा जाओगे, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं, जो भी छात्र देख रहे हैं और उनको सोच रहे हैं कि यार ऐसी प्रैक्टिस हमें करनी है, हमें भी मौका मिलना चाहिए, शुरू से तैयारी मिलनी चाहिए, हमने तो अब तक सारा गवा दिया, अब क्या करें, हमें एक बड़ा बड़ा करना है और उस बड़े के लिए हमें चाहिए क्या, किन चीजों की जरूरत होगी, तो वो जरूरत है आपकी मेरे प्यारे होनहार छात्रों शुभम क्लासेस एप्लीकेशन की। और वहां पे क्या मिलता है, आप बच्चे कहते हैं कि सर कहते हैं शुभम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्या मिलता है वहां पर, तो मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां मिलते हैं मात्र 499 रुपए अगर आप पेमेंट करते हैं, तो आपको जो ये 1499 लगते थे और जो ब्रह्मास्त्र बैच का ये पैसा लगता था, ये सारी चीजें आपको आगे चल के 1 जनवरी से 10 फरवरी तक जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो बैच चलेगा, वो बैच भी अगर आप दिसंबर माह में जुड़ जाते हो तो इसी 499 रुपए में ये भी कवर करा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो जुड़ता है उसका ये अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। अब होशियारी जो होते हैं वह चालाकी का, यानी मैंने कहा अवसर जब मिले उसका फायदा उठा लेना चाहिए, तो आपको अवसर मिल रहा है कि 499 रुपए पे करके इन सारे बैच से जुड़ जाने का, दोबारा कोई पेमेंट नहीं, ना किसी प्रैक्टिस सेट का पेमेंट लिया जाएगा, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पेमेंट लिया जाएगा, ना आपके नोट्स का, ना ही आपके क्लास की लेसन 1 से लास्ट लेसन तक की आपके हर एक सब्जेक्ट की हर दिन क्लास शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो इसके लिए अब आप सोच रहे हो सर इतना बता दिए तो और आगे कुछ बताइए, कब कैसे जुड़े, सुनिए जुड़ेंगे कैसे। मोबाइल को उठाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और सर्च करके उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके आप क्या करिए, ऐप को ओपन कर दीजिए। ऐप ओपन करके आप वहां से, ऐप ओपन करके आप वहां से ही 499 रुपए पेमेंट कर दीजिए। और जैसे ही आप अपने नाम से 499 रुपए पेमेंट करते हो, आप सारे बैच से जुड़ जाओगे, जो ये दोनों बैच है इनसे भी जुड़ोगे, आगे कोई भी बैच लॉन्च होगा उनसे भी जुड़ोगे। मैंने कहा एक बार पीयूष सर ने बोल दिया, दोबारा कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। और कुछ बच्चों की ये भी शिकायत होती है, सर हम एप्लीकेशन से हमसे पेमेंट हो ही नहीं पाता है, ठीक है तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारी समस्याओं का हल है हमारे पास। आप इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके जिस माध्यम से भी आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लॉस्ट 3 ईयर के पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम आते हैं, हम बात कर रहे थे एमसीक्यू आने वाले 10 नंबर में से, सबसे पहले हमें बात करना है आइटम्स और फ्रेजेस की, इन तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको क्लियर करा दिया। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है देखिएगा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्ट अपॉन, कार्यवाही करना, तो कार्यवाही करना का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है गो अहेड आप कह सकते हो इसको, कार्यवाही करना, ठीक है। अब है कि एट होम इन, गो अहेड भी हम कह सकते हैं इसको, आगे बढ़ना,
एट होम इन, अपना सा महसूस करना, अपना सा महसूस करना, टू फील अलोन, टू फील अलोन, अपना सा महसूस करना, एट लार्ज, पकड़ से बाहर होना, आउट ऑफ कैचिंग, आउट ऑफ कैचिंग, पकड़ से बाहर होना, ठीक है। अब है ऑल एंड सन्ड्री, हर कोई, केवल कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, ठीक है। तो हम ऑल एंड सन्ड्री मतलब इसका मतलब क्या कहने का मतलब है, एवरी वन, एवरी वन, नॉट ए स्पेशल पर्सन, ठीक है। उनके लिए ऑल एंड सन्ड्री का हम यूज करेंगे। आगे बढ़ा जाए, अब ये कह रहा है कि अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ माइजो पर्सन, कंजूस आदमी, इसको क्या कहेंगे, कंजूस आदमी, अमाइजर पर्सन, पर्सन कंजूस आदमी कहेंगे। मीनिंग हमें जानना है और इसी मीनिंग को हमें चारों ऑप्शन में, हर एक फ्रेज का आपको उसमें मीनिंग पूछेगा, ऑप्शन पूछेगा, आपका 10 नंबर एमसीक्यू होगा। ये इस बार की सबसे अच्छी खासियत, जो 10 नंबर में बच्चे डर जाते थे क्या पूछेगा, हम कैसे डायरेक्ट आंसर दे दें, अब आपके सामने सब होगा और दिमाग खुल जाएगा। अरे इसका तो सर यही बताए थे, लाइन में दिख रहा है, तुरंत हम ऑप्शन मार देंगे, ठीक है। और ऐसा ही होने वाला है। अब बेड ऑफ रोज का सुख में होना, इसका मतलब होता है कंफर्टेबल प्लेस, ठीक है, कंफर्टेबल प्लेस, आरामदायक स्थान, ठीक है। अब है कि अ हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किलों के काम कह सकते हैं, और डिफिकल्ट वर्क, और डिफिकल्ट वर्क, इसका सेंस, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए मेरे प्यारे होनहार छात्रों, इतना नोट करिए, फिर आगे वाले पार्ट में बढ़ा जाए, फटाफट नोट करिए, जितना जल्दी हो नोट करिए। आपका आइटम सरफेस के बाद नेक्स्ट पार्ट पे इसके हम बढ़े। हो गया यहां तक, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारे होनहार छात्रों। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि आपको ये चीजें देखी नहीं जाएंगी, आपके सारे बातें हमेशा समझी गई और समझी जाएंगी। चलिए अगला आते हैं, अगला पार्ट है आपका, यहां पे हम देखेंगे सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची, लिखा है आपका यहां पर, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए शब्दों का सिनोनिम्स दीजिए। पहला है आपका एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब है कठिनाई, एडवर्सिटी का मतलब क्या है, कठिनाई। इसका मैंने आपको इसके पहले कई बार कठिनाई वाले शब्द, डिफिकल्टीज है हमारा, कैलिमिटी है, तो हम इनमें से किसी भी एक को लिख सकते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है वही सेम अर्थ जिसका निकलता हो, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कैलिमिटी, ठीक है। दूसरा आपका आ रहा है यहां पे एडमिट, एडमिट का आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एग्री हो गया। तो आप यहां पे इनमें से कोई भी जो आपको एकदम उसमें दिखे, इससे मिलता जुलता अर्थ जिसका भी निकल रहा हो, आप उस ऑप्शन में से, एमसीक्यू में से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एडमिट का क्या है हो जाएगा, हम यहां लिख सकते हैं एक्सेप्ट, कन्फेस लिख सकते हैं, एडमिट का कन्फेस भी होता है, एक और आप थोड़ा स्टाइलिश अगर लिखना चाहते हो तो कन्फेस लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, यानी इसको हम कह सकते हैं सेवेयर, सेवेयर या अवफुल कह सकते हैं। अब हमारा एब्जर्ड, एब्जर्ड ये बहुत यार, एक बहुत एब्जर्ड पर्सन है, यानी कि एक बहुत ही अजीब आदमी है यार, अजीब की बात होती है यहां पे, अजीब जब कहते हैं
तो वहां पे हमारे माइंड में एक बात आती है, यार हम किसको अजीब कहते हैं, स्ट्रेंज। किसको कहते हैं? स्ट्रेंज को कहते हैं कि अजीब है। तो हम यहां पे लिख जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेंज। एब्जर्व का क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां है अम्यूजमेंट, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। तो हम लिख सकते हैं इसका क्या, अम्यूजमेंट का इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट हो गया। लिख लीजिए, फटाफट नोट करिए इसको। इसके बाद हम आगे बढ़े। जी हां बिल्कुल, चले यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद हम आगे बढ़े। अब है कि एवर घृणा करना, घृणा करना का सबको पता है ये, तो आपको ये एवर न पता हो, लेकिन आप इसकी एक जनरल इंग्लिश आप सबको पता है क्या होता है, हेट। क्या होता है? हेट होता है नफरत करना, घृणा करना। अब यहां पर लिखा है आपका एवलिश। एवलिश का मतलब होता है घटाना, एवलिश का मतलब घटाना। तो किसके आप कहोगे सर हम इसको तो हम माइनस कहते हैं, हम एवलिश का मतलब होता है हटाना, घट, ठीक है। तो यहां पर आपका हटाना ना घटाना। अब यहां पे आपका रिमूव, यहां पे वर्ड आप यूज करते हो क्या, रिमूव यूज करते हो। रिमूव मतलब हटाना। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपर्ट। क्या लिख सकते हैं? एक्सपर्ट लिख सकते हैं, स्पेशलाइज लिख सकते हैं। अब अगला है हमारा अलाव। अलाव का मतलब होता है अनुमति देना। तो अलाव एक ऐसा वर्ड है जो आप अक्सर यूज करते हैं। तो अब इसमें बता दीजिए आप कि क्या आपका क्या हो जाएगा। आप यहां पे कहते हो कि हम इसकी गारंटी देते हैं, गारंटी ग्रांट से बना हुआ है। और वहां पर एक शब्द और आपका आता है अलाव के साथ, परमिट। परमिट मतलब भी आपका क्या होता है, अनुमति होता है इस चीज की, यहां पर परमिट दी गई है। तो हम यहां पर इसका भी यूज आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसका क्या, परमिट हो जाएगा। परमिट, परमिट मतलब भी अनुमति होता है। अब जब हम आगे बढ़े, असेंट मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। राइज, उत्थान, ठीक है। तो ये आपके ऐसे ही आपके सिनोनिम्स आपके आगे के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और इस बार तो एमसीक्यू की भरमार होने वाली, 10 नंबर बस एमसीक्यू से आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आपके वेगुलरी के नेक्स्ट पार्ट, एंटोनिम्स पे। यहां पर हमें विलोम शब्द बताने होते हैं, किस शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है बच्चा। देखिएगा, एंटोनिम्स विलोम शब्द, पहला है एक्विट। अक्सर ये शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब एंटी यानी विरोध करना, विरोधी व्यक्ति, जिसको हम अपोजिट वर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहां पे है कि मुक्त करना, एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पूरा स्वतंत्र करना, जिसको हम रिलीज कहते हैं। तो यहां पर दोषी करना हम अगर लिखे तो कन्विक्ट, इसका हम सिनोनिम्स बना सकते हैं, कन्विक्ट। ओके, अब है कि अलाइव मीन्स जीवित, तो किसके मीन्स मृत होता है। अलाइव मतलब अगर जीवित होता है तो किसके मीन्स मृत होता है, हम किसके मीन्स मृत कहते हैं, बिल्कुल बहुत सही। आप जाओगे, आप कहोगे कि डेड का मतलब क्या होता है, डेड, डेड मतलब मृत होता है। तो ये आपका एकदम सही है। ये एक्विट मतलब मुक्त करना होता है, कन्विक्ट दोषी बनाना होता है, दोषी बनाना। अब है डेड का मतलब, डेड का मतलब आपका मृत हो जाएगा। एनिशिएंट का मतलब है आपका प्राचीन। तो अब एनिशिएंट का मतलब प्राचीन होता, तो वह कौन ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है आपका आधुनिक। तो यह शब्द बहुत ही जनरल है, मॉडर्न, ठीक है।
ठीक है, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है, मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, हमारा लिखा हुआ है एडवांस, ठीक है, एडवांस। तो एडवांस का मतलब है आगे बढ़ना, तो किसके मतलब होता है पीछे होना, तो आप इसको बैकवर्ड कह सकते हो, आप इसको रिट्रीट बुला सकते हो, पीछे हटना, तो हम ये शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां पर आता है एडवांस, तो हम रिट्रीट लिख लें, क्या हो जाएगा हमारा, रिट्रीट हो जाएगा। ओके, शब्दों को लिखते रहिएगा, पीछे होना रिट्रीट का मतलब। अब यहां पर लिखा है आपका एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का क्या, यहां लिखा है एक्नॉलेज मतलब होता है मानना, स्वीकार करना, इसको भी एक्सेप्ट का सिनोनिम्स ले सकते हैं। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम मना करना कहते हैं, निगलेक्ट कहते हैं, रिजेक्ट कहते हैं, रिफ्यूज कहते हैं, डेनी कहते हैं, इनमें से किसी भी वर्ड में से एक वर्ड हमें उस ऑप्शन में जरूर दिखेगा। और अगर इतने सारे वर्ड हमारे पास हैं तो हम एमसीक्यू को पूरा 100% मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि हम एकदम सही करेंगे। ठीक है, तो एक्नॉलेज का मतलब है अगर मानना, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्या हम हो जाएगा, रिजेक्ट मना करना, मना करना। ठीक है, तो ये पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए, फटाफट नोट करिए ये सारी चीजें आपके लिए हो गया। ये चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला है हमारा अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आपका आगमन, अराइवल मतलब आगमन, तो किसके मींस होता है, प्रस्थान करना। तो अराइवल आप कहीं पर भी देखते हो तो वहां कहते हो कि ये क्या है, ट्रेन यहां से डिपार्चर, यानी कि प्रस्थान, डिपार्चर शब्द हम यूज करते हैं और ये आपने अक्सर देखा हुआ है। ठीक है, चलिए अराइव शब्द से ही बना अराइवल है, तो अगर यहां पर ये होता है डिपार्चर, डिपार्चर, तो यहां हो जाएगा अराइव का डिपार्ट, क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा अगर यहां पे वर्ब बनाया जाए। ठीक है, तो ये डिपार्ट हो जाएगा, जिसको डिपार्चर है तो डिपार्ट हो जाएगा। एम्पल का मतलब होता है क्या, पर्याप्त, एम्पल मतलब पर्याप्त। कौन ऐसा शब्द है बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिए, कहा कि अगर इसके मिस होता है पर्याप्त, तो कौन ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कमी। इसके पहले हमने आपको मॉडल पेपर जब मैं बता रहा था, ठीक है, यूपी एमएसपी का मॉडल पेपर, तो वहां पे आया था एक शब्द आया था स्कैंट, स्कैंट का मतलब क्या था, कमी। ठीक है, अब है कि एक्विजिशन मतलब होता है प्राप्त करना, यानी प्राप्ति। तो कौन ऐसा चीज है जिसके मतलब उल्टा होता है, यानी कि खोना होता है, जिससे प्राप्ति, हम कोई चीज क्या करते हैं, पाते हैं, कुछ गेन करते हैं, उसको लॉस, लो शब्द आ गया लॉस, तो यहां पे हम शब्द लिख सकते हैं लॉस। अब है कि एम्बिजियस, एम्बिजियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एम्बिजियस का मतलब बच्चों लिखा है अस्पष्ट, ये बहुत ही आसान वर्ड है जो हर एक व्यक्ति जानता है कि किस शब्द का मतलब होता है स्पष्ट, वो कौन ऐसा शब्द है जिसका मतलब हमारा स्पष्ट होता है, ये बात सबको क्लियर है। हां देखो निकल भी गया बात बात में कि क्लियर, उसे हम क्लियर कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लियर कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। ओके, नोट करिए फटाफट, ये हमारा, ठीक है, तीसरा पार्ट आपके वैकुलरी का कंप्लीट हुआ, तीसरा पार्ट, पूरे पांचों पार्ट आज ही के इस वीडियो में है, और बिल्कुल आप इसे एकदम तैयार कर लो, नोट कर लो अपने नोट्स पे, साथ साथ पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, तो जितना ही हम लिख लिख कर अगर लर्न करते हैं उतना चीजें हमारी क्या होती है, परमानेंट होती है। टेम्पररी आप किसी भी चीज को टेम्पररी ना करें। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों, अगला है आपका होमोपोन्स।
होमोपोन्स क्या होता है, ये पेयर ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का जोड़ा होता है, क्या होता है शब्दों का जोड़ा होता है। और यहां पर आपका इनको अपने वर्ड में यूज करना है, ठीक है, अपने वर्ड में इन्हें यूज करना है। जिनके बोलने में एक जैसे होंगे लेकिन अर्थ में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको हम लिख सकते हैं, दिया है कि अपोजिट, एक हम आपको यूज करके दिखा देते हैं उस, क्योंकि हमको तो एमसीक्यू में जाना है। लिखा है कि अपोजिट मतलब योग्य, अपोजिट मतलब उल्टा, तो हम लिख सकते हैं कि हिज फादर, हर फादर, उसके पिता फाउंड पाए अ अपोजिट ग्रूम, अ अपोजिट ग्रूम, एक योग्य दूल्हा पाए फॉर हर, उसके लिए। ये हमने अपोजिट का यूज कर दिया है। अब यहां लिखा है अपोजिट उल्टा, तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्थ, नॉर्थ इज अपोजिट, नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ, उत्तर दक्षिण के क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, अपने भाषा में सेंटेंस यूज करके आता था, अब तो आपको एमसीक्यू के थ्रू इसका आएगा, इनकी मीनिंग्स पूछेगा। तो एक्सेस का मतलब होता है पहुंच और एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। तो जिस भी आपके ऑप्शन में अर्थ इसका आएगा पहुंच और ज्यादा, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखते हैं कि अल्टर मतलब होता है बदलना, और इस अल्टर का अर्थ है बेदी, तो अल्टर मतलब होता है बदलना, यानी हम कह सकते हैं क्या, इसको हम चेंज कह सकते हैं, चेंज यानी बदलना, और अल्टर मतलब बेदी होता है। तो इस ये बेदी का, बेदी हम किसे कहते हैं, ठीक है, बेदी क्या होता है आपका, अ प्योर प्लेस ऑफ गॉड, ठीक है, हम इसको भगवान का मानते हैं, एक पवित्र स्थल। एक्सिट का मतलब होता है स्वीकारना, यानी एक्सेप्ट होता है। वहीं पर अगर हम देखें, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना, यानी इंक्रीज करना होता है, यहां पर क्या होता है, इंक्रीज करना होता है, ओके। चलिए अब इनको अगर बाय चांस अगर आपका एमसीक्यू न दिया, अगर उसको ऊपर वाले ग्रामर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर लोगे, लेकिन एमसीक्यू में आएगा। एंड अब आपको दोनों तरह से आपको सिखाया जा रहा है, इसके पहले मैंने आपको इन सारे होमोपोन्स के यूजेस समझाएं, आज एमसीक्यू में कैसे मीनिंग पूछेगा आज आपको मैं वो क्लियर करा रहा हूं कि हर तरीके से आपको रेडी रहना है। और जब आप रहोगे रेडी, आप अर्थ जानोगे तो ही आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मीनिंग को जाने, फिर उस मीनिंग के थ्रू हम उनको यूज भी कर लें, ओके बच्चों। आगे देखिएगा, अगला लिखा है एमिएबल, इसका अर्थ होता है हमारा क्या, मिलनसार, ठीक है, मिलन सार फैमिलियर कह सकते हैं। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत। एडॉप्ट का जहां अर्थ होता है बदलाव के अनुसार ढल जाना, तो जहां पर आपका ऐसी से मीनिंग निकले वहां पे तुरंत वो ऑप्शन आप मार दोगे। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। अब इन पेयर ऑफ वर्ड्स में देखें कि एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, जिसको हम एग्री मानते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, बिसाइड्स, इसको हम क्या जानते हैं, बिसाइड्स जानते हैं। अब एवेंज, ये दूसरों के लिए बदला लेना। रिवेंज फॉर अदर्स, ये है रिवेंज अपने लिए बदला लेना, ठीक है। रिवेंज फॉर ओन एक्टिविटी, ठीक है, खुद के लिए बदला लेना, अवेंज और रिवेंज। अब आता है आपका एंटिक यानी अद्भुत, और एक है, तो इसको आप पूरी तरह से जितने हैं आप एकदम यूज करके लिख के प्रैक्टिस आपको करते रहना है। अब जब हम पांचवे पार्ट पे आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि किसका क्या होगा, ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, और एमसीक्यू हमें जानना है मेरे प्यारे होनहार छात्रों, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे।
अब यहां पर एक चीज लिखा है आपका, देखिएगा, सेट फ्री बाई, सेट फ्री बाई का मतलब होता है दोष मुक्त होना। क्या होता है? दोष मुक्त होना। इसको अभी अभी मैंने बताया था एंटोनिम्स, इसको एक्विट कहते हैं। लिख जाइएगा एक्विट, बिल्कुल एक्विट आएगा, ठीक है, एक्विट। जी 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 बिल्कुल, यहां पर आपकी एक स्पेलिंग मिस है, आप करेक्ट है। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय, जो क्या हो, ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जो सभी सरकारी नियम से क्या हो, पर हो, उसे क्या कहते हैं, अनार्चिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनार्चिस्ट कहते हैं उसे, नोट कर लीजिए। अब ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी भी वर्ष का जो डेट बार बार वो उसी डेट पे आता है, उसे हम क्या बुलाते हैं, मैंने समझाया, एनिवर्सरी। उसे क्या कहते हैं? एनिवर्सरी बुलाया जाता है उसे, हम एनिवर्सरी, वर्षगांठ कहते हैं उसे, वर्षगांठ। वर्षगांठ जन्मदिन का भी होता है, आपके मरण दिन का भी होता है, शादी का भी होता है, किसी भी आपके इवेंट का होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को कह दिए हैप्पी एनिवर्सरी और बर्थडे के दिन, तो वो गलत है, बिल्कुल वो करेक्ट है। आप किसी के बर्थडे पे आप हैप्पी एनिवर्सरी विश कर सकते हो, क्योंकि वो भी एनिवर्सरी है, वो क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। अगर अब एनिवर्सरी का मतलब यहां पर जो लोग नहीं जानकार है, मैंने बताया, बस वो इतना ही समझते हैं कि हम केवल शादीशुदा व्यक्ति के एक साल पूरा होने पर ही हम हैप्पी एनिवर्सरी विश कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी भी इवेंट के लिए जो वर्ष पूरा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी विश कर सकते हैं। अगर हमें उन्हें अलग तरीके से कहना है तो उस शब्द को जोड़ के बोल दीजिए हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी डेथ एनिवर्सरी। तो डेथ एनिवर्सरी किसी को हैप्पी तो होता नहीं कि बोल पाओगे आप, ठीक है। आगे देखिएगा, ये नोट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है कि द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, एक ऐसा पत्र विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, जहां पे लेखक का क्या हो, नाम ही ना हो, उसे हम कहते हैं गुमनाम। उसे क्या कहते हैं? गुमनाम। एनोमियस कहते हैं, एनोनिमियस कहते हैं, एनोनिमियस बोलते हैं उसको, ठीक है, एनोनिमियस बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, गुमनाम कहते हैं, गुमनाम, गुमा नाम कहते हैं। लिखा हो उसका नामे पता ना हो, जिसको आप कहते हो लोग लापता है। अगला है अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, ठीक है, श्रोताओं की भीड़, सुनने वालों की भीड़ को ऑडियंस बुलाते हैं, क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं, श्रोता कहते हैं, सुनने वालों की जो भीड़ होती है वो ऑडियंस कही जाती है, ऑडियो शब्द से बना है ऑडियंस, ठीक है। अब यहां पर लिखा है कि वन, एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता है इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान की उपस्थिति पर विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, उसे एथिएस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, एथिएस्ट कहते हैं, नास्तिक बुलाया जाता है ऐसे व्यक्ति को, नास्तिक कहते हैं। नोट करिए यहां तक फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चे, बिल्कुल। हो गया। अब है कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जो सुने जाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, श्रवण योग्य कहते हैं, ऑडिबल बोलते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल बोलते हैं, ऑडिबल श्रव्य बोलते हैं, कि सुनने के योग्य, ये श्रव्य होता है, ऑडिबल होता है, ओके। चलिए अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते, ये आपका पूरा ऐसे ही आप, ये तो एमसीक्यू में हमको बस मिलाना है कि इसका कहां पे लाइन दिया हुआ है, इससे मिलता जुलता। अब आता है स्टोरी ऑफ अ पर्सन, स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति की कहानी जो खुद के द्वारा लिखी गई, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं,
ऑटोबायोग्राफी कहते हैं उसे। अब है आपका कि रूलर एक ऐसा शासक हु है एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो पूरी तरह स्वतंत्र रूप से उसका मालिकाना हक रखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको ऐसे शासन को क्या कहते हैं? बिल्कुल ऑटोक्रेट कहा जाता है, ऐसे को ऑटोक्रेट निरंकुश कहा जाता है। ऑटोक्रेट कहा जाता है, निरंकुश कहा जाता है, जिसके पे कोई अंकुश ही न है वही निरंकुश है। ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अनुपस्थिति जहां वहां अनार्ची होता है, अराजकता कही जाती है ऐसे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ऐसे रहे, और ये पिछले साल का ये आया हुआ भी है, इतना याद रखे कि पिछले ही साल ये आया हुआ है। तो ऐसे ही मैंने बताया और सारे ऐसे ही एमसीक्यू भी मिले। अब आपको ऐसे तैयारी करना है, अगर आप चाहते हो कि सारे प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे ही ग्रामर के हो, चाहे किसी भी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर हो, चाहे राइटिंग सेक्शन रीडिंग सेक्शन सारे अगर पाना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास मौका है। दिसंबर में मात्र 499 रुपए में सारे बैच से जुड़ने की, और ये मौका अगर आप गवा दिए तो फिर अलग से आपको जनवरी में इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी ये दोनों बैच आपका क्रैश कोर्स और ब्रह्मास्त्र बैच दोनों मात्र 499 रुपए मिल रहे हैं, जहां आपको वन शॉट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास तथा आपको सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, हर चीज आपको इतने पैसे में, हर एक सब्जेक्ट का हर दिन शुरू से पूरे अंतिम तक के सारे सोल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया आपकी इतने ही पैसे में बोर्ड एग्जाम तक चलेगी। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आपको ऐप ओपन करना है और वहीं से आपको 499 रुपए पे करके आपको सारे पैसे जुड़ जाना है। अगर आप वहां से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इस दिए गए नंबर पे भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दे तो भी सारे पैसे आप जुड़ जाओगे। तो अब इतना तो है कि आपने ये मान लिया है कि हमें ऐसी ही तैयारी चाहिए और आज आप जुड़ने वाले हो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, कहेंगे कि करिएगा प्रैक्टिस और जो भी आपको कहीं भी कठिनाई हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर आपने शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा, गुड लक।